हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलीट आईएएस। मैं अपूर्व, मैं अर्पित। और आज हम आप लोगों के साथ नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में 22nd जीएसटी मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की। वहाँ पे नेशनल अथॉरिटी फॉर एंटी प्रॉफिटेरिंग, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जिसको कहते हैं, उसका गठन करने की बात हुई। ये बात इसलिए हुई कि अभी जब उस मीटिंग में रेट, जीएसटी रेट के दरों में कटौती की थी सरकार ने कई सारे आइटम्स पे, तो ये देखा गया कई सारी रेस्टोरेंट चेन्स जो है वो जो कटे हुए दर थे वो बेनिफिट जो है वो एंड ग्राहक तक नहीं पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसलिए तो सबसे पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि मुनाफाखोरी आखिर है क्या। मुनाफाखोरी हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस हाउस है, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से या फिर अपने सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करता है या टैक्स रेट में एडजस्ट करता है इस तरह से ताकि वो मुनाफा कमा सके, जो कि गैर कानूनी रूप या कह सके इलिसिट मीन से हो, तो इस पूरे प्रक्रिया को मुनाफाखोरी कह सकते हैं। अच्छा, क्या इस मुनाफाखोरी के लिए जीएसटी एक्ट में कोई प्रोविजन है? हाँ, बेहद है। मतलब हमारा ये जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है उसका एक धारा है जो कि 171 है। उसमें ये मतलब साफ तौर पे कहा गया है या फिर लिखा गया है कि इस तरह की जो भी मुनाफाखोरी हो रही है तो उस पर रोक लगाया जाए। अच्छा। तो इसी को देखते हुए हमारा नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का गठन होने की बात कही जा रही है। अच्छा, तो अब ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो देखते हैं कि मतलब ये पूरे जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ नापा जो है ये है क्या एक्चुअली आखिर। अच्छा, देखिए, ये जो पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो तीन स्तरों में डिवाइडेड है, थ्री टीयर्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। पहला टीयर है, दो कमिटीज़ हैं। पहली है सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी है स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी। अब ये दो अलग अलग कमिटीज़ एक ही स्तर पर रखी गई हैं। ये इसलिए रखी गई हैं कि नेचर ऑफ कंप्लेंट जो होता है वो अगर लोकलाइज्ड है, मतलब उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में नहीं पड़ रहा है, तो कंज्यूमर को स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी को अप्रोच करना है अपनी कंप्लेंट के साथ। और अगर कोई उसकी कंप्लेंट ऐसी है कि जिसका पूरे भारत में प्रभाव पड़ेगा तो वो सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी को अप्रोच कर सकता है अपनी कंप्लेंट को लेकर। इन कमिटीज़ का काम ये है कि जो भी इनके पास कंप्लेंट आई है ये प्रत्यक्ष रूप से देखेगी कि ये सही है या नहीं है। बस इनका इतना काम है, और देखने के बाद ये अपनी रिपोर्ट दूसरे स्तर, सेकेंड टीयर जो है हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का, वहाँ पे पास ऑन कर देती हैं। दूसरा स्तर है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स, जो कि सीबीईसी के अंडर आता है। सीबीईसी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, तहकीकात करना पूरे मुद्दे पर कि वाकई में प्रॉफिटेयरिंग हुई है या नहीं हुई है और किस हद तक हुई है। अगर हुई है तो ये अपनी रिपोर्ट बना के ये तीसरे स्तर को दे देता है, जो कि एपेक्स टीयर, सबसे ऊंचा स्तर, जो कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं। इसका काम है कंप्लेंट्स, जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके पास दूसरे स्तर से, उसके एडजुडिकेट करना और उस पर अपना जजमेंट सुनाना। और हाल ही फिलहाल में हमने ये भी देखा है कि इस कमेटी का गठन कर लिया गया है। हाँ। और इसके चेयरमैन बीएन शर्मा जी है, जो कि 1985 राजस्थान बैच के राजस्थान कैडर का आईएएस ऑफिसर है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात हो गई है तो आइए, मतलब अब ये जानना जरूरी है कि क्या फंक्शंस होंगे नेशनल एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नापा कह सकते हैं। हाँ। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये थ्री टीयर बॉडी है और नापा जो सबसे उच्च स्तर पर स्थित है, तो नापा के पास सबसे अहम भूमिका है। जब वो पूरे मुद्दों पे, जब तहकीकात करने के बाद जब उसे लगता है कि सही में मुनाफाखोरी हुई है, तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले कि ये उस बिजनेस हाउस को टैक्स में रिडक्शन की एडवाइस करें, भाई तुम एडवाइस कम कर लो अपना रेट, या फिर कोई भी ग्राहक अगर कंप्लेन रेज किया है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट मिले विद 18% ऑफ पेनल्टी, जो कि अभी फिक्स किया गया है। और इसमें एक बहुत ही मतलब एक अनोखा प्रोविज़न ये भी है कि अगर नापा को ये लगे कि हाँ भाई इस बिजनेस हाउस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है फाइनल एज लास्टिंग सॉल्यूशन, तो ये वो भी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी मतलब बल प्रूवर बलपूर्वक प्रहार कह सकते हैं आप इनको।
तो मतलब ना ही कि मतलब नापा और जीएसटी खुद दोनों खुद में ही भारत अर्थव्यवस्था के लिए काफी नया है, लेकिन विश्व में इसके उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं। तो जी मतलब बिल्कुल। विश्व के उदाहरण पे जरा चर्चा करते हैं, ये कहाँ कहाँ है, देखिए एग्जिस्ट करते हैं। विश्व भर के उदाहरण अगर हमें लेने हो तो हम दो उदाहरण उठाते हैं, एक सक्सेसफुल मॉडल है और एक फील्ड मॉडल है। पहले चर्चा करते हैं फील्ड मॉडल फील्ड की। मॉडल की। मलेशिया में ये इस बॉडी का गठन हुआ था जब वहाँ पे नया टैक्स रिजीम लागू हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने मेथडोलॉजी जो अपनाई थी, जो तरीका अपनाया था प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी मेजर करने का, वो था प्रॉफिट मेथड। वो क्या कर रहे थे कि किसी भी बिजनेस हाउस का जब से रेट दर लागू हुए हैं तब से एक क्वार्टर पहले और एक क्वार्टर बाद का प्रॉफिट वो कैलकुलेट करते थे और फिर उस हिसाब से जो अभी मुनाफाखोरी हुई है उसको कंपेयर रेगुलेट करते करते थे। थे, कंपेयर करते थे। हाँ ठीक है। अब इस मॉडल में ये देखा गया कि याचिकाओं का दर काफ़ी बढ़ गया था वहाँ पे, लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी मलेशिया में और प्रशासनिक तौर पे भी इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए लार्जली ये फेल्ड मॉडल फील्ड कहला मॉडल कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। दूसरा एक हमारे पास सक्सेसफुल एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में जो तरीका अपनाया गया प्रॉफिटेयरिंग, मुनाफाखोरी मेजर करने का, वो था एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसिंग, कि आपने ज़बरदस्ती के महंगाई तो नहीं कर रखी है, ज़बरदस्ती के बेस प्राइस तो नहीं बढ़ा रखे हैं। तो लार्जली देखा गया वहाँ पे कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल था। हालांकि देखिए मलेशिया ऑस्ट्रेलिया दोनों अपने आप में एक अलग अर्थव्यवस्था है और अगर भारत से कंपेयर करें तो अलग ही है। भारत की अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अलग हैं और जो इस चीज़ का गठन हुआ है, नापा का गठन जो हुआ है, वो भारत की कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि इसमें भी कुछ हमारे पास कंसर्न्स हैं, तो वो कंसर्न्स होना लाजमी भी है क्योंकि ये दोनों तरफ की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो थोड़ा कंसर्न्स पे चर्चा कर लिया जाएगी, क्या दिक्कतें हैं इसके प्रोविजंस में नापा को लेके पूरी। जी देखिए अर्पित, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये लगती है कि जैसे ये नापा सबसे उच्च स्तर पे ये बॉडी है, तो इसके पास ऑर्डर पास करने के मतलब पूरा प्रोविजन है इनके पास। तो जब ये ऑर्डर पास करेंगे तो ये ज़मीनी तौर पे किस हद तक लागू हो पा रही है, ये इसका कोई एक प्रोविज़न होना चाहिए। बिल्कुल और फिर ये हम देख सकते हैं कि जैसे कि अर्धन्यायिक पावर्स हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स के पास है, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, तो वो अर्धन्यायिक पावर एग्जिस्ट करता है, तो वो एडजुकेटरी अर्धन्यायिक बॉडी है वो, तो एडजुकेटरी पावर उनके पास एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये नापा ये खुद में ही अभी तक पता नहीं है कि ये एडजुकेटरी बॉडी है कि नहीं है, तो इन दैट केस ये अच्छा, थोड़ा ये मतलब क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं अच्छा, है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है क्लियर नहीं है कि नापा एक बॉडी जीएसटी काउंसिल के अंडर है या ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी अभी या तक फिर क्लियर ये नहीं। स्टेटरी प्रोविजन से बनने हाँ, वाली है, ये चीज़ अभी तक क्लियर क्लियर नहीं नहीं हो है। पाया है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि नापा के बनने से जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो सिद्धांत हैं चलने के, उसमें मतलब वो उसके अगेंस्ट है जो कि डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड रहते हैं। देखिए, आप किसी भी बिजनेस हाउस का प्रॉफिट कम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नापा को लाके, ठीक है? तो अब उनके पास प्रॉफिट कम जाएगा बिजनेस हाउसेस के पास, तो वो वो निवेश इन्वेस्टमेंट, कम करेंगे, हाँ निवेश कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कम करेंगे, करेंगे। एग्जैक्टली तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट है वो वो हर्ट। हर्ट होगा, उसमें दिक्कत आएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1956 की, जो कि मतलब गवर्नमेंट के पास काफ़ी रेगुलेटरी माना जाता है उसे। इवन उस एक्ट में भी ये प्रोविज़न नहीं है कि हाँ आप चलो हाँ रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दो कम्प्लीटली, जो कि नापा में एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये प्रोविजन जो है ये मतलब काफ़ी कोअर्सिव है नेचर में। बलपूर्वक एक कहा जा सकता है इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। तो बट ये है कि इस बॉडी का गठन भी हो चुका है और ज़रूरत भी है इस चीज़ के लिए। जीएसटी भी अभी नया नया आया है यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था में, तो ऑब्वियसली हमें देखना है कि इसके साथ आगे हम कैसे बढ़ें, कैसे बढ़ क्या क्या सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए पूरी इस चीज़ के लिए? देखिए मेरे समझ में तो ये लगता है कि जैसे नापा का गठन हो चुका है, तो इसके जो भी ऑफिसर्स हो गए या फिर जो भी स्टाफ मेंबर हो गए, पूरे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो वो उन सारे लोगों का एक प्रॉपर स्टोकियोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए, वो चीज़ों की गहराइयों में समझे कि मतलब आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ
सिर्फ इसलिए कि कंज्यूमर्स अफेक्टेड है, ग्राहक अफेक्टेड है, एक लार्ज पॉपुलेशन है ग्राहक का, सिर्फ उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्शंस नहीं लेना चाहिए। हमारे जो बिजनेस हाउस है उनका भी सेंटिमेंट्स का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बिजनेस हाउसेस के हाँ, सेंटीमेंट्स, फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे जनरेट करते हैं। उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि नापा के जो एक्शंस हैं वो सिर्फ रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, वो प्रोएक्टिव होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब नापा के पास कंप्लेंट आए तभी वो रिएक्ट करे, तभी वो एक्ट करे उन चीज़ों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उसको पहले से ही ऐसे कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जिससे दिक्कतें कम से कम आए कम उसके। से कम है, और साथ में एक ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि जैसे कि जीएसटी काउंसिल की मतलब हर पीरियोडिक मीटिंग्स होती है, बार बार मीटिंग्स होती है हमारी जीएसटी काउंसिल की, जो भी प्रोविजंस जीएसटी में आए वो डिस्कस करते हैं और कुछ अच्छा एक वे फॉरवर्ड निकालते हैं। उसी प्रकार से नापा की जो भी आने वाली मीटिंग्स होए तो उसमें सारे स्टेक होल्डर जो होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस हाउस हो गए, रिटेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, इवन कंज्यूमर्स ऑल्सो, उनको साथ में लेके एक सहमति में आके एक डिसीजन लेना चाहिए। इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एम्प्लॉयज़ भी हो गए, हाँ एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। तो ये एक सहमति भरा डिसीजन होगा था। एग्जैक्टली अच्छा, तो ये चीज़ हमने नापा पे अभी डिस्कस करी है। इसमें हमने नापा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, जीएसटी एक्ट में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, मुनाफाखोरी क्या होता है, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या बनाया है सरकार ने नापा का, नापा का फंक्शंस क्या है इसके हमारे पास, फंक्शंस क्या हैं, इससे रिलेटेड इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या है, चैलेंजेस क्या आएंगे, कंसर्न्स क्या हैं हमारे को नापा से आगे क्या रिलेटेड। होना चाहिए। तो इतना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किसी भी टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये, हमने ये एक्चुअली एक पहल की है कि किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक डायलॉग फॉर्म में आप लोग तक पहुंचाए, अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी रिसेंट टॉपिक जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक प्लीज पहुँचने प्लीज के लिए। लेट अस नो, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करें अगर वो वर्थ इट है तो। थैंक यू।